बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलचाल और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन वंस अगेन ज़मान पार्क में मौजूद हैं। कारकुनान की तादाद आए दिन बढ़ती जा रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक मेला लगा हुआ है। लेकिन आज थोड़े से डिफरेंट इशूज़ पर मैं बात करना चाहूँगा लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं। सन है पेशावर के पी के बिगड़ती सूरत हाल, पाकिस्तान के अंदर बिगड़ती सिक्योरिटी की सूरत हाल और लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। आइए आज देखते हैं ज़मान पार्क से ये लोग क्या बोलते हैं। एजाज साहब सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भैया ठीक है, खैरियत है? फवाद साहब को फाइनली जमानत मिल गई सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हक और सच की फतह और पाकिस्तान के अंदर जितने सच्चे सियासी कारकुनान हैं ये उनकी फतह है। इस पर तो कल शायद खाकाना भाई साहब ने भी कहा कि बहुत जाती है। मेरा ख्याल है कि हर बंदा के जो ज़मीर रखता है वो ये कहेगा कि फवाद के साथ बहुत ज्यादती है। और एक इकरारी मुजरिम है, जो कुछ आपने कहा उसने कहा ये मेरी तकरीर है, इसके आप मुझे गद्दारी के दफात लगा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी बात पाकिस्तान की सियासत में कोई और सियासी कारकुन कह सकता है। अपनी बात कहे, उसके ऊपर कायम रहे, अदालत के अंदर जवाब दे और तारीखी हवाला भी बताए कि ये वो दफ़ा आपने मुझ पर लगाई है कि जो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और भारत के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर लगाई गई थी और भगत सिंह के ऊपर भी यही थी। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि हर हुर्रियत पसंद जो आज़ाद दिल रखता है, आज़ाद दिमाग रखता है और इंसान है, उसको बात करने का हक हासिल है। ये तो परख हो जाएगी कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर तो एक आइन है, आइन के मुताबिक मुल्क को चलने दें, मुल्क इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा, बल्कि दौड़ के तरक्की करेगा। शाहिद खाकाना भाई साहब के शायद कुछ सुनने में आ रहा है कि इस्तीफ़ा दे रहे हैं नून लीग से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पीटीए में वेलकम करेंगे अगर कल को आते हैं? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी नायब सदारत, सीनियर नायब सदारत है, वो उससे इस्तीफ़ा दिया है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी बाज़मीर आदमी बेगम सफदर के तहत पार्टी का साथ नहीं देगा। मैंने आज प्रेस में कहा है साद रफीक को कि तुमने जितनी डायनेस्टी पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ तकरीर की है, आज के बाद अगर तुम शाहिद खाकान का रास्ता इख्तियार नहीं करते तो तुम्हारी ज़ुबान और कहती है और तुम्हारा ज़मीर कुछ और कहती है। इवेंचुअली फवाद साहब बाहर आ गए लेकिन रूमर हैज़ इट कि और भी गिरफ्तारियों की लिस्टें बनी हुई हैं, हु इज़ नेक्स्ट? देखिए मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, आपको बैठे ही इसलिए हैं कि जिसने गिरफ्तार करना वो आ जाए, ठीक है। सिर्फ एक इमरान खान है, हम ना उसे गिरफ्तार होने देंगे ना उसके बारे में कोई, और अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देंगे, पूरा जोर, आइनी या गैर आइनी। मेरा ख्याल है कि हर अखलाकी रास्ता इख्तियार करेंगे जो आइन के अंदर दिया गया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन एजाज चौधरी साहब और बाहर मौजूद हैं ज़मान पार्क के, पहचान कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए जी, हम तो पहले दिन से लिए इमरान खान के लिए बैठे हैं, उसकी हिफाजत के लिए, और हम अपना घर बार छोड़ के आए हैं ताकि हमें किसी का खौफ या डर नहीं। ज़मान पार्क को घर बार बना लिया हमने, बना लिया पहले दिन से यहाँ पे। इमरान खान को खानदान और ज़मान पार्क को घर? इमरान खान है हमारा ही नहीं, इस पाकिस्तान का खानदान, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारा अकेला मुस्तकबिल। थैंक यू वेरी मच। पहचान कहाँ से आए? सहीवाल से। क्या करने? ये खान साहब की गिरफ्तारी के मामले में जो चल रहा है उसकी वजह से हम इधर। क्या चल रहा है? जो गिरफ्तार खान साहब को करने आए हैं। तो अगर वो कोई वारंट ले आते हैं, आईनी तरीके से गिरफ्तार करते हैं तो? आईनी तरीके से गिरफ्तार अगर होना हो तो खान साहब जरूर खुद ही पेश होंगे। तो अगर गिरफ्तार करने आते हैं, वारंट ले आते हैं, फिर अरेस्ट वारंट ले आते हैं तो खान साहब अगर उनका बनता हुआ तो खान साहब खुद पेश होंगे अदालत जाते हैं। खान किस चीज़ का सर वारंट लेंगे? वो आपको थोड़ी बताएंगे। नहीं, उसने कोई कत्ल किया है, कोई जुर्म तो होगा ना। राणे सनावला को इरवन निकली थी, अब खान साहब यहाँ पे हमको राणे सनावला की इरवन निकली थी, वो आपकी बात लाख रुपए की है, मैं मानते हैं, लेकिन बात क्या है, खान साहब जब बाहर निकलेंगे तो साफ जहर है वो सिक्योरिटी में जाएंगे। खान राणा सनावला की तरह अकेले थोड़ी गए थे। मेन बात यह है कि खान साहब को इन्होंने बहुत कोशिश की, अगर निकालना होता ना तो नहीं है। सर गिरफ्तारियां जो होती हैं ना ये इंसानों की होती हैं। इमरान खान का एक विजन है, एक इमरान खान को पकड़ने से उसका विजन खत्म नहीं हो सकता। अब ये दलील की बात है, ठीक है, तो पानी में डालनी पड़ेगी। और विजन वो होता है जो विजन वो होता है जो कौम को शऊर दे, जो कौम को बेदार करे, जो कौम को बताए कि तुम किस लिए आए हो इस मुल्क में। उस विजन का नाम इमरान खान है। पहले ही साहब पैदा सर 75 साल
पहले ये मुल्क आया, कायदे आजम का एक विजन सी कि मैं मुल्क इस वजह तो लेना है ताकि सानू इतने आज़ादी मिल सके, असी आज़ादी ना रह सकी। मुल्क हासिल होया, 75 साल गुजर गए लेकिन आज़ादी नज़र नहीं आई। इस मुल्क 11 वजीर आजम आए, 11 वजीर आजम नहीं उतारा गया। उस वक्त ना राणा सनाउला वजीर दाखला सी, ना कोई जैद सी, ना कोई बकर सी। अगर 11 ही करप्ट सी ते पाकिस्तान जो इंसान ढूंढ के लियाओ जरा साबित कर सके कि मैं सच्चा वहां। 11 लोगों उतारा गया और उन्होंने इल्जाम तो इल्जाम तराशी की गई। क्या सर तुहानू नहीं पता इस मुल्क के जेडे लोग कवानीन बनाते तेरे लाहौर शहर का फैसला कि वह 12 कहें जी 3 फवाद चौधरी को पेश करो, 3 इस्लामाबाद चला जाता। अदालत आती जी मैं अपने हुक्म से हुक्म द अमल दरामद करा सकती हाँ, लेकिन नहीं होंगे फिर की होंगे अदालत खारिज कर दी जाती। अगर इमरान खान असी सिर्फ इमरान खान के विजन के नाल हाँ, इमरान खान ने जी सोच दी सानू शऊर दिता सानू दसिया कि मुसलमान कभी गुलामी जिंदगी नहीं गुजार सकता, असी ओदे वास्ते खड़े हाँ। एक इमरान खान अगर पकड़िया जाएगा इस पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ जो इमरान खान बन के रोड़ा आ जाएगा। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से इमरान खान निकलेगा, तुम कितने इमरान खान पकड़ोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। सर तुसी होर सवाल करो, आज तुहानू एक एक सवाल दा मैं 10-10 गुना जवाब देंगा। फवाद चौधरी दे मुंह दे उत्ते कपड़ा कौन पांदा? हाय सब तो पहला पाकिस्तान तरीके इंसाफ दे कारकुन हसो ये कम अज कम मीडिया वाले सवाल तो कर लेंगे ना भी कपड़ा क्यों पाया, हसो एक बारी उस तो बाद मैं जवाब दूंगा। खुदा की कसम अगर खाली मीडिया ही ईमानदार हो जाए मेरा मुल्क पूरे पाकिस्तान अगर राज ना करे तो जो सोच या मेरी विजन है मैं वो मीडिया दे लोगों नु जानदा, मैं मास्टर तक इस चीज़ नु जानदा रहा। ऐ सच्चा ऐ सच्चा ऐ सच्चा ऐ सच्चा अज तक इस मुल्क च मीडिया तो लैके अदालत तो लैके हुकूमत तक साढ़े अदारे तक किसी शख्स ने आके टीवी ते नहीं किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह के मैं सच्चा, क्योंकि उसने पता कि अगर दुनिया सुन के वाली साहब सुन के जी जी हलफ दे सकना तुझे आज तक एक मिनट ठहर जी जी एक रुपया आज तक नहीं लिया मीडिया तो आज तक सुन लो जी जी हलफ दे सकना अज तक हलफ दे सकना वो किता जो चंगा लगे या ठीक लगे जिते ठीक लगेगा जिते ठीक लगेगा कि इमरान खान गलत है खुल के तनकीद करांगा करनी चाहिए जिते गलत लगेगा कि सर सुन लो ना एक सेकंड जिते गलत लगेगा कि नवाज शरीफ गलत है खुल के तनकीद करांगा करनी चाहिए तुहाडी द्वारा हुकूमत दे विच मेरीयां नौकरियां गईयां ने मैनूं नौकरियां तो कढवाया गया तुहाडा चैंपियन वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब एक मिनट रुकना खैरियत है आपकी बेटी? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या नाम है? मुनीर। क्या कर रहे हो यहाँ पे? इमरान खान के लिए आया हूँ। क्या हुआ खान को? अंदर बैठा हुआ यार, मीटिंग दे रहा है। बस हम आए उसके सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए? ओ यार मेरी तरह इतनी सी जान है आपकी, आप क्या सिक्योरिटी दोगे? बस सारे लोग बहादुर हैं, हम भी बहादुर हैं। क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो? 4। बड़े होके क्या बनोगे? मेजर बनूंगा आर्मी मेजर। मेजर बनोगे? आर यू श्योर? फिर सोच लो पुत्र जी। चले अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, आप खैरियत से? ठीक ठाक जी, ठीक ठाक। क्या कर रही हैं आप? इमरान खान के लिए आए, बनू से आई हूँ। बनू से स्पेशली मैं हर जलसे में इमरान खान के लिए आती हूँ। शबीना गुल वजीर नाम है मेरा। अच्छा। और लाहौर में मैंने 24 जो है टीचिंग मतलब रही हूँ, टीचिंग की है, उस्ताद हूँ। इमरान खान की खातिर मैं बनी गाला शिफ्ट हुई और NA-35 बनू की जो है 2018 की बाई इलेक्शन की कैंडिडेट भी हूँ। ठीक है, आगे भी इरादा है कि इमरान खान 39 बनी गाला शिफ्ट हो गई। आप खान के लिए शिफ्ट हो गई। मेरे ढेर सारे पैसे ने तड़े को वो दिल का जज्बा है, मोहब्बत उनसे बहुत ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेलकम टू लाहौर, थैंक यू वेरी मच। जी लाला कहाँ से आयो? बखर से। क्या कर रहे हो?
हम खान के लिए आए, हमारी जान है। इस वक्त हमारे बच्चों से भी बढ़कर, हमारे वालदैन से भी बढ़कर पाकिस्तान के लिए है तो सिर्फ इमरान खान है। क्यों ये फीलिंग आती है? फीलिंग आती है, हमें और कुछ नजर ही नहीं आता। नवाज शरीफ कल तक वो इश्तियारी थे, कल तक वो डाकू थे, शहबाज शरीफ कितने अच्छे, कल तक वो इश्तियारी बन के बाहर निकले हुए थे, मनी लॉन्ड्रिंग थे, आज वो साफ हो गए। हमने तो नहीं इश्तियारी किया था उनको, आपको कानून की समझ नहीं? हमने नहीं इश्तियारी की, अदालतों ने किया। या तो अदालतें पहले गलत थी, आप गलत हैं, या पहले गलत थी, आप गलत हैं। कानून की समझ नहीं आती पाकिस्तान? कानून क्यों नहीं समझ आती? देखो अदालतों ने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात सुने, आप मुझसे सवाल करें, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, बिल्कुल अनपढ़ हूँ, आप मुझसे सवाल करें। मैं वही तो कह रहा हूं, हमें खान साहब ने शऊर इस कदर दे दिया कि हमें तो उसने बता दिया कि पाकिस्तान से मोहब्बत क्या होती है। क्या होती है पाकिस्तान से मोहब्बत? होती है कि मर मिटो, अपने मुल्क पे आँच ना आने दो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नूर जमान। नूर जमान साहब, मैं हमेशा से कहता हूँ जी, शख्सियात के ऊपर खुलकर तनकीद करें। खुलकर करते हैं, खुलकर करते हैं, सबके ऊपर नहीं। मैं तरीके मेरे पास सुने, हमारे यार सुनो यार, मुकम्मल दे कर, प्लीज सर, प्लीज सर, तुसी बोली सिर्फ, प्लीज सर, मेरी एक मिनट बात सुने। देखिए हमारे सरहदों पे जवान खड़े हैं, खड़े हैं हिफाजत के लिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हलफ दे के कहता हूँ कि उनके बच्चों के लिए भी मेरी जान कुर्बान है, उनके बच्चों के लिए मेरे बच्चे भी कुर्बान है। लेकिन जो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा, मैं उस पर थू थू करूंगा, उस पर लानत भेजूंगा, चाहे वो किसी भी आलादार अफसर से क्यों ना हो। ओ चपड़ासी तो लग के चीफ तक होए, ओ वजीर आलम तो लग के ऑफिस बॉय, कोई भी हो जो मुल्क से गद्दारी करेगा, लानत, वो लानत बिल्कुल बेशुमार। और ये पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। भाई साहब मेरी बात सुने, आप बताएं, मेरा एक आपसे सवाल है, क्या आपको, आपको नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए क्या इंपोर्टेंट है? क्या पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए जरूरी क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, इलेक्शन है तो अभी तक तो नहीं हो रहा है। मेरी जान मैं तो आवाज उठा सकता हूं जी, मैं आवाज, तो आवाज, आवाज आपने ही भी तो आप ना, आवाज आपने ही हमारी आवाज को आगे पहुंचाना है। निवाणी इलेक्शन जीत जाएंगे? निवाणी नहीं, इनामुल्लाह खान नियाजी जीतेगा। अच्छा, लोटा तो कोई भी नहीं जीत सकता ना, पक्कर वापस नहीं जाना? बकर भी जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तानी हैं, हम जहाँ चाहें, पंजाब है, खैबर है, हमारा पाकिस्तान है, निमाणी क्यों मारेंगे? हमें देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन इन रगों में ना अपने वालदैन का हलाल रिज्क कमाया हुआ, खाया हुआ है, वो हैं लोटे, जो पैसों के लिए बिकते हैं वो लोटे ही होते हैं। कहाँ से आए भाई साहब? मैं शालमार बाग से। क्या कर रहे हैं आप इधर? क्या करने आए हैं सारे? क्या करने आए? वैसे मेरा खैर एक दूसरे का चेहरा देखने आए। सारे चेहरे तो अच्छे अच्छे नजर आ रहे हैं, सब यार हंसे मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। खान को फड़ लेंगे? ये तो इनकी गलत फहमी है, खान को पकड़ना, खान को तो टच नहीं कर सकते, खान तो अकेला ही शेर है, 14 बंदों पे भारी है। कहते थे ना जरदारी सब पे भारी, मैं कहता खान सब पे भारी, 14 बंदों पे भारी। आयन कह रहा, आयन अभी चंद दिन पहले एतदाद हसन ने बोल न्यूज पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी आयन कह रहा है 90 दिन में इलेक्शन हो जाना, अगर इलेक्शन नहीं होते ना 90 दिन के बाद जो निगरान वजीर आला है ना खत्म, तो फिर ये डेट दे देनी चाहिए ना। केपी ने दे दी, केपी ने दे दी ना, तो ये भी दें, ये पे क्यों बैठे हैं? बोला पहले तो मैं सबसे पहले तो जो पेशावर धमाका हो उसकी मजम्मत करूंगा, हम जो शहीद हुए ना उनके लिए हम दुआ करें। बिल्कुल, क्यों ये आपस में लड़ रहे हैं ना, इनको चाहिए। अब रात को शुभाष जी कह रहे जी मैं मजम्मत करता हूँ, ये सरदारी कह रहा है मजम्मत ना करो, आपका काम है कुर्सी पे भी बैठना, जाके उनकी हेल्प करो, उनकी ये करो। नहीं कोई नहीं गया, नहीं नहीं गए, चीफ गया आपका, शुभाष जी गए, चीफ गया वो तो खोज गया। इंग्लैंड में इसके दो बच्चे हैं ना, छोड़ के किसकी खातर आया? हमारे बच्चों की खातर बैठा है ना, गोलियां खा के हमारी की खातर बैठा है ना, इलाज करवा रहा पाकिस्तान में करवा रहा, ये तो सर्जरी करा रहे हैं तो उधर जा रहे हैं, वजीर आला से उतरते हैं उधर जा रहे हैं, वो जो बैठा बगोड़ा इनका वो मिसाल है, 16 की रोटी 25 का नाम, चलो चलिए पाकिस्तान हो गई सर्जरी, चलिए पाकिस्तान, ये वो साहब है जब वोट लेने आ जाए जी हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। उनकी बीमारी ऐसे बीमारी होती है कि दो 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 दिन उधर चले जाते हैं, उनकी बीमारी खत्म हो जाती है। मौसम बहुत अच्छा होता है,
नहीं मौसम इधर नहीं भाई, पाकिस्तान को, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने जो नेमते दिए वो और मुल्कों के नहीं दिए। ये कौन कहते उधर मौसम अच्छा है, मौसम तो इतना अच्छा है, वहाँ पोल्यूशन नहीं है खान। नहीं उधर उधर सिर्फ ये है, कि पाकिस्तान का पैसा चोरी करके पाकिस्तान की आवाम को लूट के उधर चले जाते हैं, आराम में ऐसे ठेके ला के बैठे होते हैं जैसे कोई अपना कमाया हुआ हो। ये तो पाकिस्तान का कमा के चले जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। देखो तो एक रुपया मेरे ख्याल में डॉलर कल वो सस्ता हो गया, दो रुपया हो गए, तो कितने धमाके हो गए केपी में, कितने धमाके हो गए? एक केपी में हुआ, पिशावर में, और एक मियांवाली में अटैक हुआ। नहीं 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 आपको नहीं पता, एक कुहाट में हुआ, पहले हुआ ना, पहले हुआ, ये चंद दिन पहले हुआ। मैं कह रहा हूँ कि वो पहले सफ में नहीं था, ये ड्रोन हमला था। ये बिल्कुल झूठ है कि वो आया। देखो उधर आता तो कोई फुटेज को ये वो, हाँ फोटो बिल्कुल है, नहीं दिखा रहे, वो दिखा दे ना कितने कैमरे है, कितने कैमरे है। जब वो जाता है एक बंदा तो उसके फोटो दिखा दे, हाँ। नमाजी के फोटो दिखा दे, हो सकता है वो अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, गाड़ी में आया। तो आप मुझे ये बता दें, जब वो एक अटैक होता है तो 50 से 60 आदमी मर जाते हैं, तो ड्रोन में कितने मरते हैं? काफी ज्यादा, हाँ? वो छत घिर रही है, इतना ज्यादा धमाका के जद वो। इस पे रुको रुको, मैं आपके मुकम्मल दुख में शरीक हूँ, मुकम्मल जो आप कह रहे हो ना, मैं मुकम्मल तो... सुनो मैं मुकम्मल आपके साथ हूँ। इसके ऊपर कमेंट हम तब करेंगे कि जब इसकी रिपोर्ट आ जाए। हाँ, हमें बात करनी है पाकिस्तान की। बिल्कुल, हमने बात करनी है, ये तमाम लोग इकट्ठे हुए पाकिस्तान के लिए, खान बैठा हुआ है पाकिस्तान के लिए, हमने फिक्री गुफ्तगु करनी है, हमने किसी को तनकीद नहीं करनी, अल्लाह आपका भला। हमने बात ये करनी है कि हमारे मुल्क में 4 साल खान साहब रहे हैं, कोई अटैक नहीं हुआ, कोई बमबारी नहीं हुआ। वो लोग कहाँ हैं जो पाकिस्तान को, नवाज शरीफ साहब एक लीडर हैं, सियासतदान हैं, तो है ना, उनकी एक इज्जत है, हाँ। अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने किस कुरान को पढ़े, किस अल्लाह को मानते हैं, मुझे ये बताएं जरा। मैं आपके तवसुल से, मैं खुद भी यूट्यूबर हूँ, मैं आपकी बात सुन के आपके पास आया हूँ, मुझे ये बता दें, बस एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ सर, कि ये किस खुदा को मानते, ये किस 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 कुरान को मानते हैं, किस रसूल मोहतशिम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मानते हैं, किन अहले बैत वालों को मानते हैं, किन असहाब को मानते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला सरकार ने फरमाया कि मेरे दौरे हकूमत में अगर एक कुत्ता भी फिरात के किनारे पे, मैं मोतबर जो रवायत है वो मैं वो बयान कर रहा हूँ, कि अगर मरता है भूख की वजह से, अफलास की वजह से, तो मैं कयामत के दिन जिम्मेदार हूँ। तो सर आप मुझे आज बताएं, मैं सवाल करता हूँ तमाम इन पीडीएम वालों से, के क्या सवाल, क्या सवाल, तमाम पाकिस्तान, क्या तमाम पाकिस्तानी तो ये आए हैं, पाकिस्तानी तो चाह रहे हैं कि खान वजीर आजम रहे, हम तो ये चाह रहे हैं, ढकी चुपी तो बात नहीं, क्यों कि वो बात करता है इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, ए अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो हम मदद मांगते हैं अल्लाह से, और ऐसे लोगों से इनको कटहरे में लाना चाहिए। सर आज तक जो जुडिशरी बनी थी मॉडल टाउन की, सानिहा मॉडल टाउन की, आज तक उसकी कोई आपके पास फाइनल रिपोर्ट आई है? नहीं। सर ये भी गुम हो जाएगी, जिनके बच्चे यहाँ पे, अरशद शरीफ मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से, अरशद शरीफ जो है हमारे लिए मिशन रहा, उसके बच्चे यतीम हो गए, क्या बना है उसका अभी तक? तो कुछ नहीं बना, तो सर कुछ भी नहीं बना। यहाँ पे फवाद चौधरी मुंशी कहने पे गिरफ्तार हो सकता है, यहाँ पे मेरे जैसा बंदा नवाज शरीफ को बुरा कहने पे गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन ये लोग हमारे बच्चों को मार रहे हैं सर, हमारे बच्चों के बुजुर्गों के सर ये गुनाहगार हैं। अब मैं सबसे बात करता हूँ, मियाँ साहब हमारे मुल्क में डॉलर की कमी है, इंडिया $750 बैंक में लेके, $750 बिलियन डॉलर और हम $4 अरब लेके और हम उससे मुकाबला कर रहे हैं। चार नहीं है, आपको 3.1 कुछ रहे। नाज़रीन मुझे आज पता चला है कि पीछे बिल्कुल ये वो जमान पाक है, खान साहब की रिहाइश का है, उसकी दीवार के बिल्कुल अपोजिट ये एक प्लॉट था, और यहाँ पर मुझे तो आज पता चला कि यार ढेर सारे खेमे लगे हुए हैं, डिफरेंट एरिया से लोग आए हैं, लेकिन ज़्यादा वज़ीरिस्तान के लोग हैं, उन तमाम लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं। आप कहाँ से आए हो? मियाँ वाली जी। अच्छा कल रात को क्या हुआ वहाँ पुलिस स्टेशन पर, पता है कुछ?
मियाँ वाली वो कुछ दहशतगर्दों ने हमला किया लेकिन पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई की और वो भाग गए। नहीं, मुझे तो ये बताया गया कि वहाँ पर कोई कानों का रौला होता है और ये पहले भी अटैक करते रहते हैं उस पुलिस स्टेशन के ऊपर, कानों वालों ने पहले भी अटैक किया वहाँ। नहीं नहीं, ये लड़ाई झगड़ा वो दहशतगर्द घरों पर भी करते रहते हैं, करते रहते हैं ना। मुझे कल वहाँ पे कुछ क्रेडिबल लोगों ने बताया कि ये कानों का कोई मसला है वहाँ पर, मियाँ वाली में ना कोई लेना देना, कारोबारी लेना देना, तो वो अटैक पहले भी करते रहते हैं, खड़काते हैं, डराते हैं लोगों को, असला भी उनके साथ है, सब चीज उनके पास है। यार साहब का वजीर आजम का अपना हल्का या अपना शहर, वहाँ पर भी इतने अनसेफ लोग, अपना शहर है लेकिन ये ऊपर जो इधर आओ, कल आप मुझे एक स्टोरी सुना रहे थे, इधर आगे 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 खान साहब के वालिद की कब्र जी, वो कल आप मुझे बता रहे थे कहाँ पर और कैसी है जी। मियाँ वाली में है और वो कच्ची मिट्टी की है, उधर जाओगे आपको रोना आएगा कसम से, मैं आप याद कर रहा हूँ तो मुझे रोना आ रहा है, वो आप जाओगे तो फिर आपको रोना आएगा। क्यों रोना क्यों आएगा बेटे? बस जैसे देख कर, वैसे नवाज शरीफ की देखो, उनका अंदर महल हैं, आगे पीछे हैं उनकी कच्ची कब्रिस्तान है, और देख कर अभिरान मजहब भी तो हमारा यही कहता ना कि कब्र सादी कच्ची होनी चाहिए, हमारा मजहब भी तो यही कहता है कच्ची होनी चाहिए। लाला क्या हो रहा है मुल्क में? मुल्क में जी 6,000 रुपए की जो गंदम की बोरी मिल रही थी अब वो 12,000 रुपए मिल रही है, जो 150 रुपए पे पेट्रोल डीजल मिल रहा था अब वो 250 रुपए और उम्मीद है वो 300 तक जाएगा, 309 तक जाएगा। उसके बाद घी महंगा हो रहा है, ट्रैक्टर का जो घंटा 1500 रुपए पे था भाई वो 2500 रुपए पे हो गया है, खाद जो काली खाद जो किसान डालता था 6,000 रुपए पे वो भाई 14,000 रुपए की हो गई है, जो सफेद यूरिया खाद जो मिल रही थी 2200 रुपए पे वो भाई अब 6,000 रुपए हो गई है, तो जो ईंटें जो गरीब मकान डालता था वो 4,000 रुपए पे 1,000 मिलता था, अब वो 10,000 रुपए पे मिल रही है। रुको रुको, पाकिस्तान में गरीब का क्या काम है मकान डालने का? अच्छा अब यार ये क्या कहा, मतलब अच्छा अब ये बात है भाई, ये जितना टेंट, अच्छा मैं भी आपके पास शिफ्ट हो जाऊंगा एक दिन में, बदल टेंट आज रवाना है मौज मारा। दूसरे नंबर पे मैं मेरी बात करने का मकसद ये है कि मेरे पाकिस्तानियों, आप तमाम लोगों को तकलीफ, हम गरीब लोगों को है, मैं खुद एक गरीब हूँ, मुझे आज भी घर से फ़ोन आया, कल भी आया, मेरे घर का जो गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, मेरे घर में गाय जो है ना भूख से मर रही है, मैं अपना बड़ी तकलीफ से यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों अपने लिए खुद निकलना पड़ेगा, अपने लिए खुद निकलना पड़ेगा, किसी को बुरा भला मत कहो, जब आप निकलोगे नहीं। एक बाबा एक कैद आजम था, उस वक्त कोई हमारे पास फौज थी नहीं थी, उस वक्त कोई लोग पढ़े लिखे थे नहीं थे, उस वक्त कोई टीवी था नहीं था, मोबाइल था नहीं था, उस वक्त आपके पास ये गौरी मिसाइल था नहीं था, ये उस वक्त आपके पास शहीन मिसाइल था नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन बाबे कैद आजम ने पाकिस्तान बनाकर दिखाया और उन यहूदी लाबी को हमने भगाया। और मेरे पाकिस्तानियों आप समझें, आपके पास इस वक्त दुनिया की बेहतरीन फौज है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपके पास गौरी भी है, हर चीज़ है, गौरी है, शहीन है, सब कुछ है, आपके पास अल खालिद टैंक है, आप मैं खुद एक फौजी रिटायर हूँ भाई, हाँ जी अब समझ आ रही है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये हम क्यों, हमारे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि हम खुद नालायक हैं, हम खुद निकलना नहीं चाहते। आपके मोहल्ले में जब एक आदमी आएगा, मियां वाली का नहीं पता, लाहौर की कहानी मैं बता सकता हूँ, सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं, मौज मार रहे हैं, वजह के नहीं निकलते मियां वाली। मैं तो हकीकत ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तानी लोगों को ना 1,000 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल कर दिया जाए, इनको सुबह सुबह दो बैंत भी लगाए जाएं, फिर भी ये नहीं निकलेंगे। हम असल में भाई हम ढीठ हो चुके हैं, हम वाटर प्रूफ हो चुके हैं, ये बड़ी जो मोहल्ले का एक आदमी निकलता है, एक आदमी मैं आया हूँ मोहल्ले में से, तो मेरे मोहल्ले मेरे शहर में अब हम तकरीबन ये न्याजी कैंप लगा हुआ है भाई, अच्छा ये न्याजी कैंप है, सारे न्याजी कैंप है, मियां वाली पठान खैबर, हम सब जो समझो कि हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई न्याजी म्याजी इधर नहीं, पठान हम सब एक बाप की औलाद हैं, हमारा बाप है पाकिस्तान, बस वेरी गुड, पाकिस्तान की जमीन। मेरी बात जो मैं कर रहा था कि मेरे पाकिस्तानियों, हम जब घर से निकलते हैं ना तो हमारी बीवी कहती है तेरा की, एक पंजाबी दलाफ़ तेरा की, तू भाल है ने तेरा की, इसका मतलब ओ भाई
तेरे किया ले लफ्ज़े चो निकलो, यानी तुम्हारा क्या है ओके. तुम क्यों जाते हो ओके. ए तेरे किया ले लफ्ज़े चो निकलो पाकिस्तानियों, मैं खुदा की कसम कहकर आपको कहता हूँ कि कराची से लेकर खैबर तक सिर्फ 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए 18 करोड़ अवाम बैर निकल आए. 18 करोड़ कह रहे हो, मैं कह रहा 18 लाख निकल आए. 18 करोड़, 18 करोड़ को निकलना पड़ेगा, 18 लाख निकल आए. लाला 5000 बंदा निकला ना एक थार, 5000 बंदा और शहर बंद हो जाता. 12 करोड़ हर, मैं 18 करोड़ का मकसद भाई ये है, आप पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ हूँ. फौजी की तो मेरी बात, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पास तालीम नहीं है इतनी, मैं मिडिल पास हूँ. 18 करोड़ मेरा कहने का मकसद है कि हर अपने अपने इलाके से लोग निकले. लाहौर बंद होना चाहिए, इस्लामाबाद बंद होना चाहिए, रावलपिंडी बंद होना चाहिए, कराची बंद होना चाहिए. भाई पूरे पाकिस्तान को बंद कर दो. आप देख रहे हैं इमरान खान के चेहरे की तरफ. अल्लाह पहले गुरबत से लोग मर रहे हैं, शहर बंद करोगे और गुरबत ना मर. यार मेरे से कोई गरीब है, खुदा की कसम मेरे ऊपर 1 लाख रुपए कर्ज है मेरे घर में. बस यार 1 लाख कम है, मैं एक क्रेडिट कार्ड का 7.5 लाख, बच्चियों की शादियां करनी है, मकान नहीं है, छोटा चीज रख दे. मेरे सिर्फ 1 करोड़ पाकिस्तान में निकलो, 1 लाख रुपए आपके लिए इतना, जो गरीब के लिए 1 करोड़ है. उसके पास गाय है, उसके पास भैंसे हैं. भैंस या गरीब बंदा इसके पीछे तो उधार है ना. 1 लाख रुपए इनके लिए 1 करोड़ है, गरीब आवाम के लिए 1 करोड़ है, आपके लिए पास 1 लाख रुपए इसके पीछे 1 लाख चेक कर लो. मेरे पास से ज्यादा तो मुझे पता है आपके पास करोड़ों का मालिक है, तो मुझे आपकी कसम मेरा अकाउंट चेक कर लो. तो इस मेरे फोन से लो, जब आपके पास 1 लाख रुपए भी नहीं है इसके पीछे 1 लाख. एक मिनट, इसका जवाब मैं देता हूँ. ठीक हो गया, हम बच्चे तो तब्दील नहीं कर सकते, बच्चे अपने अपने. आप मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, मैं आपके घर शिफ्ट हो जाता हूँ. आओ ना, मैं इधर आपको दुआ खैर देता हूँ, पढ़ो दुआ खैर. आओ आप मेरे घर, कसम से आपको जो भी करे, आपका टेंट है तो मैं रहना चाहता हूँ. लेकिन हकीकत में मेरे मियाँ वाली में घर में जो मेरी 1 कनाल का घर है ना, 1 कनाल का वो हो जा. 5 लाख का है भाई. मत समझो, तेरा 1 मरला 50 करोड़ का होगा. वज़ीरिस्तान से आया हूँ. क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं इधर खान साहब के लिए. आपको पता है वज़ीरिस्तान के लोग काफ़ी सफ़र हुए हैं जंग से. तो जब से खान आए 3 साल हमने जिंदगी जी है. बेहतर हुए हैं कुछ? हालात बेहतर नहीं हुए. आपको पता है पिछले दिनों हमने अपने ट्वीट देखे होंगे फवाद चौधरी को और मुराद सईद के, हमने धरना दिया हुआ था. सबसे पहले मुराद सईद हमने धरना दिया हुआ था, लोग आए हुए थे, तो हमने 10 दिन धरना दिया, रोड बंद कर दिया. उसके बाद हालात कुछ नॉर्मल हो गए. ओके. और आपको ये बता दें कि खान के 3 साल जो थे वो उसमें हमें पता चला है कि जिंदगी होती है. के साथ कल ना एक बंदा बैठा हुआ था, उसने एक जुमला का यकीन माने मेरे दिल को ना जो हाथ नहीं पड़ जाता जैसे. बिल्कुल. कहते हैं कि यार खान के होते हुए हमें लगता था हमारे सर के ऊपर हाथ है. बिल्कुल. जब से खान गया हमें लगता है पख्तून फिर से यतीम हो गए. यही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमने सिर्फ 3 साल जिंदगी जी है. ये 75 साल जो हम आज़ाद हुए ना, इसमें हमने सिर्फ 3 साल जिंदगी जी है. और हमें पता है कि ये जिंदगी थी जो खान साहब की हुकूमत थी. उसके बाद पहले भी हम यतीम थे, उसके बाद हम यतीम हो गए हैं. क्योंकि आपको पता है उधर ड्रोन होते थे, हर घर में यतीम है, हर घर में शहीद है, हर घर सफर हुआ है. तो उस वजह से लोगों काफ़ी डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ. आपकी तालीम कितनी है? मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूँ. नज़र आ रहा है, नज़र तो उस वजह से न वो तो वज़ीरिस्तान में तालीम है. मैट्रिक तक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेते, आगे फिर पेशावर लाहौर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बन रही है ना वहाँ पर. अभी एक कैडेट कॉलेज बना हुआ है, उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है. तकरीबन 350+ हमारे ऑफिसर गए आर्मी में. वेरी गुड, वेरी गुड. हालांकि मैं तो कहूंगा कि 80% भर्ती वहां से होनी चाहिए ताकि वहां की महरूमियाँ कम हो. तो हो रही है ना, वज़ीरिस्तान में जितना टैलेंट है ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के किसी इलाके में इतना टैलेंट नहीं होगा. खूबसूरत इलाका भी बहुत है, बहुत खूबसूरत है. टूरिज्म भी वहां पे प्रमोट किया जा सकता है. आपको बहुत पहले जो टूरिज्म आई हुई थी ना, हाँ. ये खान साहब के दौर में, हाँ. तो आपने वो इलाका देखा था. और अब भी जब टाइम मिलेगा ना आपको, उधर लोग जब आते हैं ना, लोगों को देखते हैं जितना इज्जत देते हैं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितने मेहमानवाज है, कितने बड़े दिल वाले लोग हैं. तो लोग कहते हैं यार इनसे बेहतर लोग तो हमने देखे ही नहीं है. लेकिन उन बेचारों को क्या है, उनको ज़िंदगी जीने का हक ही नहीं है. अभी खान साहब ने हमें बताया कि आपको उठ करने के कड़े होने का हक है, आपको बोलने का भी हक है, अपना हक छीनने का भी हक है. तो उस वजह से ना इधर वज़ीरिस्तान के कैंप लगे हुए हैं 7 महीने से. उधर पहले दिन, हालांकि 7 दिन हो गए मुझे रोज़ आते हुए, आज पहले दिन देखें ये क्या. हाँ तो आपने नहीं आना था, आप आ गए. अब अजान हो रही है, अरे अजान हो रही है. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे.
वेलकम बैक नाजरीन। एक नया कैंप ढूंढा आज मैंने, 7 दिन के बाद मुझे पता चला है कि ये पीछे वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, केपी, इन सारे एरियाज़ का कैंप, ये बिल्कुल खान साहब की रिहाइश का के इस तरफ लगा हुआ था। भाई साहब मास्क नीचे करो, डर लगता है? नहीं लगता। कहाँ से डर लगेगा? देर से आया। देर से क्या कर रहे हैं आप? इधर इमरान खान की हिफाजत के लिए आया। कैसे हिफाजत करोगे? बस जैसे जब इमरान खान की हिफाजत करेगा, इमरान खान अंदर है लेकिन लोग कहते हैं हम पकड़ेगा, लेकिन हम पकड़े नहीं देंगे। आपको पकड़ेगा? नहीं, इमरान खान को। अगर 2-4 हज़ार पुलिस वाला आ जाता है, उनके पास होंगे, दो तो क्या करोगे? 2-4 हज़ार चाहे 2-4 लाख भी आ जाए, कुछ भी नहीं गए तो है ही नहीं। हो 2-4 लाख भी आए, कुछ भी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? इमरान खान को हम पकड़ने नहीं देगा। फवाद चौधरी को लेके थे ना पकड़ के, क्या वो लेके गया? कुछ भी वो लेके गया, लेकिन अभी इमरान खान की बात में हम सब लोग बैठे हैं। लाला रात को सो जाते हो ना आप लोग? नहीं सो जाते। आप लोग नहीं सोते? नहीं, हम नहीं सोते, हम सारी रात जागते हैं इंशाल्लाह। नहीं नहीं, आपके चेहरे से लग रहा है पूरी करते हो। बात सुने में, दिन में नहीं, अगर आपके आपके चैनल के वसातत से हम आज इधर हैं, अगर इमरान खान को आज गिरफ्तार कर सकेंगे तो हम एहतजाज भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। आए तो सही, हाँ वाकई आए, आए आज आके उसकी तरफ, हमें पता चले रोड पे कि ये इमरान खान की तरफ इनका कोई इरादा है, फिर हम इनको बता देंगे कैसे गिरफ्तार कर। लाला वो गैर आईनी होगा ना? गैर आईनी तो ये कर रहे हैं, ये हर दिन हर अब इलेक्शन जो है, इलेक्शन कानूनी है या गैर कानूनी? 90 दिन में हक है आप, तो फिर क्यों भाग रहे हैं? वो कोई आईनी रास्ता या कानूनी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी इस इंतजार में हैं कि हम देख रहे हैं कि ये अगर कानून पे आ गए तो हम कानून को मानने वाले हैं। हाँ। हमारा लीडर कानून पे चलने वाला है, पाबंद है। हाँ। लेकिन हमारा सबर जो है ना वो इस तरह ना आजमा। लेट से 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर? हाँ। फिर हमें जो है ना लाकानूनियत वाला रास्ते पे हमें मजबूर करेंगे। पुरअमन एहतजाज, फिर भी पुरअमन एहतजाज? सर हम पुरअमन एहतजाज तो ये है कि पुरअमन क्या होता है? हम तो पुरअमन है, आप इधर बैठे हैं। हाँ। कोई आज तक कोई एक गमला किसी रस्ते वाले को हमने कोई तकलीफ? डरते डरते शिकवा कर लूं आप लोगों से? करो जी करो। डरते डरते मैंने मारोगे नहीं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। मॉल रोड से उतरे ना लाला? जी जी। ग्रीन बेल्ट है, बड़ी खूबसूरत ग्रीन बेल्ट थी, इसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए। जी जी। लोगों ने गाड़ियां खड़ी करने के चक्कर में वो सारे पौधे तोड़ दिए। और वो कल मैंने देखा, कल एक भाई को मैंने बताया भी, 10-12 फीट का पौधा था, 2 साल लगते हैं 10-12 फुट का पौधा होते हुए, 2 साल की मेहनत होती है। वो गाड़ी खड़ी करते हुए उसको ना गाड़ी में से उतर के तोड़ रहा था, मैंने उसको रोक लिया। मैंने कहा यार तुम्हें पता है इस पौधे के लिए कितनी मेहनत हुई होगी? किसी माली ने लगाया है, कोई इसको पानी देता रहा है, इसने बड़ा किया है, तुमने जस्ट बिकॉज के गाड़ी खड़ी करी तोड़ दिया था। ये पैगाम है, जी जी। ये पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो जमान पाक आ रहे हैं। आपको अल्लाह का वास्ता, आपका अपना लीडर इमरान खान ही तो बिलियन ट्री सुनामी लेके आया था, वही तो बेचारा चीख चीख के कहता रहा कि पौधे लगाओ, दरख्त लगाओ। आप गाड़ी थोड़ी पीछे पार्क कर लो, उस जगह पे पार्क कर लो कि जहाँ पर जगह बनी है, पौधा मत तोड़ो। आप एक पौधा नहीं तोड़ते, एक पौधा पता नहीं कितने लोगों को ऑक्सीजन देता है, और आप लोग वो कितने लोगों को ऑक्सीजन से महरूम कर रहे हो। और लाहौर जैसे शहर में जिसमें हमारे पास दरख्त रह ही क्यों नहीं गया, पहले कट कुट गए हमें। तो ये मेरा पैगाम भी था, रिक्वेस्ट भी थी कि अल्लाह के वास्ता पौधे मत तोड़ें, दरख्त मत काटें, वहाँ पर आकर गाड़ी आगे पीछे पार्क कर लें। मैं भी आता हूँ यार रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं मॉल रोड के ऊपर गाड़ी पार्क करके आता हूँ, तो थोड़ा सा आधा किलोमीटर का सफ़र है, पैदल आ जाओ यार। ज़रूर आपने इमरान खान के घर के बाहरी गाड़ी लेके आनी है और यहीं पर पार्क करनी है। इमरान खान को तोड़ियाँ गड्डियाँ ना इंप्रेस नहीं होना उन्हें कि आपकी गाड़ी यहाँ पर पार्क है, वो इंप्रेस नहीं होगा इससे। वो इससे ज़रूर इंप्रेस होगा कि आपने दरख्त बचाए, आपने इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो ये मेरी दरख्वास्त थी। सर आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे डरते सर यकीन करो मेरी बात सुनो, हम ना इन बातों पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करते ना नाराज़ होते। एक सही चीज़ की आपने निशानदेही की, इंशाल्लाह हम अपने दोस्तों को समझाएंगे, उनको कहेंगे कि ऐसे हमने ऐसे वर्कर बनना है, एक मिसाली वर्कर बने। अब मेरी सुने बात, रस्ते में हम आ रहे थे, वो बिरयानी तो वैसे नून लीग की है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, सफ़र में हम भी बिरयानी साथ तो भरना ना। तो हमारे पास जो वो उसके बुक्स थे ना, हमने वो फेंके नहीं, हमने वो छापर में इकट्ठे किए। जब बिन आएगा वहाँ पे, डस्टबिन आएगा वहाँ पे, वो तो बिल्कुल, ये हमारा मुल्क है, अगर हम इसको साफ सुथरा नहीं रखेंगे, ये दरख्त अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मोटी सी बात है, शऊर किसको कहते हो? कोई साइंस नहीं है शऊर? आप कितना इमरान खान ने शऊर दे दिया, कुछ साइंस नहीं है। जी जी, शऊर ये है, अपना हक मांगो, बाइज्जत तरीके से मांगो, झूठ नहीं बोलना, फ्रॉड नहीं करना, मुल्क को साफ रखना है, कानून को मानना है,
ट्रैफिक कवानीन को मानना है, वो यही तो शऊर है यार, बिल्कुल बिल्कुल यही तो शऊर है, बिल्कुल सर, यही तो मैं पिट रहा हूँ कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो 90 दिन में नहीं होते, पुरअमन एहतजाज आपका हक, हम पुरअमन तो यही शऊर, हम तो पुरअमन है, देखो जिन्होंने कानून पे अमल दरामद कराना है, जिनकी कानून पे अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं करते फिर हम क्या करेंगे, बड़े मजबूर है, आप ही पता है, मुझे भी मुझे तो ये अंदाज़ा, मुझे तो ये, हाँ वो डरते हैं ना, वो डरते हैं। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? कहाँ से ताल्लुक है? साउथ वज़ीरिस्तान। साउथ वज़ीरिस्तान, यार मैंने बड़ी तारीफ सुनी है कि बड़ा खूबसूरत इलाका है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। मुझे कब बुला रहे हैं आप? जून जुलाई में आ जाएं। अच्छा, ये मौसम नहीं होता ठंड वाले? बर्फबारी होती है इस टाइम, बाकायदा बर्फबारी, टूरिज्म शूरिज्म सब बंद? बंद होते हैं। टूरिज्म गया है उस तरफ? गया है, होटल शोटल ये वो बन रहे हैं? होटल तो नहीं, वो लोग मेहमान नवाज हैं फिलहाल, के बाकी केपी गवर्नमेंट ने इंतजाम किए हुए हैं ये में। जी जी बिल्कुल। चले अब आ जाए, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो इतनी दूर वज़ीरिस्तान, इतनी खूबसूरत जगह छोड़ के लाहौर की अजीब से मौसम में आ गए, ना यहाँ सांस साफ है, हवा साफ है, क्या कर रहे हैं? देखो तो ये जो हमारे लीडर हैं इमरान खान साहब, ये हमारा नहीं बल्कि चार सूबों का नहीं, पूरे पाकिस्तान हुकूमत मुस्लिमा तमाम दुनिया के लिए सोच रहे हैं। फजलुर रहमान साहब का सुनते थे कि नहीं, वो तो एक वो मेरे हलके के डी खान अमीन के हलके के हैं, तो उसका भी हमें पता है कि वो वहाँ पे आ भी नहीं सकते, मतलब कि अपने हलके में आ ही नहीं सकते, उनको चंद अपने दोस्त जो होते हैं वो मिल के फिर चला जाता है, मतलब कि वो बाहर नहीं निकल सकता, मुंह दिखाने का नहीं है। नहीं, बड़ा खूबसूरत घर है डीए खान, उनका देखा है मैंने, वो घर उसका साथ मदरसा भी है, वो भी देख लें फिर, क्योंकि वो नहीं बना अभी तक, नहीं बना मदरसा, घर बन गया मदरसा नहीं बना, तीन बंगले बने और मदरसा अभी तक नहीं बना। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था कि मैंने भी वो नई जगह दरियाफ्त की ज़मान पाक में, जिनका पहले मुझे नहीं पता था, मुझे इन कैंप्स का नहीं पता था, हालांकि मैं डेली आता हूँ, डेली यहाँ से रिकॉर्डिंग करता हूँ, बट इन शो जगहों का मुझे नहीं पता था। एंड में मेरी दरख्वास्त एक ही, हमेशा की तरह पुरअमन मुल्क पुरअमन ज़िंदगी गुजारना हर पाकिस्तानी जानदार और बेजान का हक है, आपकी इमलाक जो घर के अंदर पड़ी हैं उनकी हिफाजत भी रियासत की जिम्मेदारी है। सवालिया निशान तब बढ़ते हैं कि जब मेरे भाई वज़ीरिस्तान से, केपी से, फाटा से, इन इलाकों से आकर सवाल पूछते हैं कि यार हमारी जानें इतनी सस्ती क्यों हैं, हम इतने अनसेफ और अनसिक्योर क्यों हैं, और इसका जवाब बहरहाल रियासत को ही देना है, ये वाली हुकूमत दे, अगली हुकूमत दे, जवाब तो इसका रियासत को देना है। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए, जहाँ पर हमें ये सवाल ना पूछने पड़े कि वो कौन था और वो जिम्मेदार कौन है इस बदमनी। जिंदाबाद पाकिस्तान।